हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एप्स नेटवर्क में ज्वाइन हम कैसे कर सकते हैं। ज्वाइनिंग का प्रोसेस मैं बताऊंगा इस वीडियो में, आप ध्यान से देखिए कैसे ज्वाइन करना है। इसके लिए सबसे पहले जो है आप मेरा ब्लॉग वेबसाइट ओपन कीजिए। एप्स नेटवर्क फॉर ऑल, ये मेरा वेबसाइट है। यहाँ पर आप जाइए और वेबसाइट में आपको सारा ये मेरा ब्लॉग वेबसाइट मैंने बनाया है, आप वीडियो आप भी देख सकते हैं। फिलहाल तो ज्वाइनिंग करना है हमें। ज्वाइन करने के लिए हाउ टू ज्वाइन में आप जाइएगा। हाउ टू ज्वाइन में आपको मेरा रेफरल लिंक मिलेगा ज्वाइन होने के लिए, ठीक है। रेफरल लिंक दिया गया है ज्वाइन होने के लिए मेरा, इसको क्लिक कीजिए आप रेफरल लिंक को। रेफरल लिंक को क्लिक करने के बाद आपको देखिए ऐसा स्क्रीन आ जाएगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, इस तरह का आपको वेबसाइट ओपन करके आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए मेरा आपका लास्ट में दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर आपको डालना है यूजर नेम आपका, ईमेल आईडी आपका, और आप जो पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो पासवर्ड यहाँ डाल सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख रहा है रेफर्ड बाई ABHI0612। इसका मतलब ये हुआ कि आपने मेरा रेफरल लिंक क्लिक किया था, इसलिए आप मेरे अंडर में ज्वाइन होना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपना यूजर नेम क्रिएट कर लीजिए, जो भी आपको इच्छा यूजर नेम रखने का वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी देना होगा, यहाँ आपको पासवर्ड देना होगा, यहाँ फिर से वही पासवर्ड आपको देना होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको एक छोटा सा मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर ईमेल आईडी आपका जो होगा वो ईमेल आईडी आप वही ईमेल आईडी डालिएगा जो आप अपने मोबाइल पर यूज करते हैं, मतलब कि गूगल प्ले स्टोर को खोलने के लिए आप जो ईमेल आईडी को यूज करते हैं आप उसी ईमेल आईडी से यहाँ पर भेजिएगा। ये जरूरी है, एक्चुअली यहाँ जो है हमको सिंक्रोनाइज करना होता है मोबाइल को, जो है अपने एप्स नेटवर्क के साथ सिंक्रोनाइज करना होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर नोट में, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपको ईमेल आईडी वही डालना है जो आप मोबाइल पर यूज करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? आपको ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन जो करना है, यहाँ पर जो ईमेल आईडी आपको डालना है, ठीक है, वो ईमेल आईडी सेम होना चाहिए आपके मोबाइल पर जो आप डालते हैं गूगल प्ले, तभी आपका मोबाइल में आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं जब आप उसमें ईमेल आईडी डालें। ईमेल आईडी आपको जीमेल का उसमें डालना ही होगा, तो वो जीमेल आईडी आपने मोबाइल पर डाला आपने, तभी आप गूगल प्ले स्टोर में किसी भी एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हैं या फिर उसमें से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि आपका ईमेल आईडी सेम होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ का ईमेल आईडी और आपके जो मोबाइल गूगल प्ले स्टोर का ईमेल आईडी सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों जो है यहाँ सिंक्रोनाइज करना होता है आपको, क्योंकि रीजन एप्स नेटवर्क को करना होता है आपके एंड्रॉइड मोबाइल के साथ, इसलिए दोनों का जीमेल ईमेल सेम होना चाहिए, ठीक है।
यही रीजन है, ये आपको मैंने छोटा सा नोट बता दिया, इसको ध्यान रखिएगा यार। सॉरी, यहाँ एंड्रॉयड लिखना है मेरे को, एंड्रॉयड लिख दिया मैं, एंड्रॉयड मोबाइल मोबाइल, ठीक है। इसलिए दोनों का जीमेल आईडी सेम होना चाहिए, आप याद रखिएगा इस चीज़ को, मैंने बहुत अच्छे से बता दिया ताकि आप भूले नहीं और कोई गलती ना करें। सिंक्रोनाइज करना है, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको, एग्जाम्पल के तौर पर मैं रजिस्ट्रेशन करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या करना है। देखिए जैसे कि यहाँ पर डाल दिया मैंने विक टू जॉब, यूजर आई डी, यूजर आई डी में विक टू जॉब डाल दिया, ईमेल आईडी में डाल दिया मैंने विक टू जॉब gmail.com, ठीक है। ये मोबाइल एप्लीकेशन के समान होना चाहिए, मोबाइल एप्लीकेशन मोबाइल पर जो ईमेल आईडी आपने किया हुआ है गूगल प्ले के लिए, गूगल प्ले स्टोर को ओपन करने के लिए सेम होना चाहिए। यहाँ पर आपका पासवर्ड डालना है, आपको पासवर्ड डाल देता है यहाँ पर, यहाँ पासवर्ड डाल देते हैं, वही सेम पासवर्ड फिर डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है करना क्या है कि यहाँ पर जो है ये लिखा हुआ है, यहाँ देख लीजिएगा, रेफर्ड बाई मेरा आईडी होना चाहिए यहाँ पर, ABHI0612, अभी रेफर्ड बाई अभी। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कीजिए गेट एप्लीकेशन इट्स फ्री, ठीक है, इसको क्लिक करना है आपको। मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिए क्लिक कर दिया है, अभी प्रोसेसिंग हो रहा है। देखिए थैंक यू बिग टू जॉब, बिग टू जॉब मेरा क्या था, आपका ये मेरा यूजर आईडी था, फॉर रजिस्टरिंग विथ एप्स नेटवर्क एंड ईमेल हैज बीन सेंड टू बिग टू विद इंस्ट्रक्शन हाउ टू कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। इफ़ यू डोंट रिसीव द ईमेल विद द फ्यू मिनट, प्लीज चेक योर स्पैम जंक फोल्डर। अगर आपका ईमेल आईडी में इनबॉक्स में नहीं आया हुआ है तो आप इस स्पैम फोल्डर में चेक कीजिए, वहाँ मिलेगा। अब देखिए मैं ईमेल आईडी अपना को ओपन यहाँ करूँगा, यहाँ पर देखिए वीक टू जॉब gmail.com, यहाँ पासवर्ड डालते हैं, साइन इन करता हूँ, ठीक है, ओपन हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मेल ओपन हो गया है, आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन, ठीक है, इसको क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर फॉलो द लिंक और ये कोड आपका दिया गया है, ठीक है, इस लिंक को क्लिक करते हैं हम लोग, देखिए पासवर्ड जो है आपका, ये तो आपका ऑटोमेटिकली कोड आ ही गया है इसके अंदर, इसको डालने की जरूरत है नहीं, ये तो कोड जो है आपका ऑटोमेटिकली आ गया है। यहाँ पर आपको पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था पासवर्ड को, ये आप डाल दीजिए, इसमें वेरिफिकेशन हो रहा है, ये वेरिफिकेशन कंफर्मेशन हो रहा है कि आप सही व्यक्ति हैं जो जिसने ज्वाइन किया है, ठीक है, अपना पासवर्ड डाल दीजिए। उसके बाद जो है यहाँ सबमिट को क्लिक कर दीजिए, तो सबमिट करने के बाद आपका लॉगिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, लॉगिन आपका हो गया, आपका बैलेंस अभी 0-0 बता रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर है आपको और भी इसके बारे में मैं बताऊंगा, इसके बारे में अकाउंट वेरीफाई कहाँ से है सब बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में हम लोग इतना ही यहाँ पर रखते हैं जानकारी। पासवर्ड संभाल कर रखिए, इसको इधर उधर नहीं होने दीजिएगा। तो ये आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस मैंने आपको बताया कंप्लीटली। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा मेरा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके ये लाइक शेयर और सब्सक्रिप्शन बहुत ही अनमोल है और मैं नहीं चाहता कि इसको मैं मिस करूं। और प्लीज मुझे नए नए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करते रहिए, आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है, और ये लाइक शेयर और सब्सक्रिप्शन जब मिलता है तो लगता है आपका प्यार आ रहा है। आगे भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहूँगा, लेकिन ज़रूरी ये है कि अपना प्यार आप देते रहिए इन कमेंट्स के रूप में और लाइक के रूप में और शेयर के रूप में, सब्सक्रिप्शन के रूप में। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।